उधर एनसीबी आज एक्ट्रेस करिश्मा प्रकाश से पूछताछ करने वाली है। एनसीबी को तलाशी के दौरान करिश्मा के घर से ड्रग्स मिली थी। ड्रग कनेक्शन को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने मुंबई में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के घर की तलाशी में ड्रग बरामद किया है। इस मामले में एनसीबी की टीम ने करिश्मा प्रकाश को समन भेजकर मंगलवार को पेश होने के लिए कहा, लेकिन वो हाजिर नहीं हुई। आज एनसीबी करिश्मा प्रकाश से पूछताछ करेगी। एनसीबी की टीम को एक ड्रग पेडलर के साथ करिश्मा का कनेक्शन मिला है। इससे पहले भी एनसीबी की टीम करिश्मा प्रकाश से दो बार पूछताछ कर चुकी है। एक बार दीपिका पादुकोण के सामने बैठाकर उनसे पूछताछ की गई थी। दीपिका और करिश्मा के बीच ड्रग्स को लेकर हुई बातचीत का ऑडियो भी सामने आ चुका है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ छात्रा मर्डर केस में दो आरोपी तौफीक और रेहान गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों आरोपियों को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बेटी की दिनदहाड़े हत्या के बाद मां पर पहाड़ टूट पड़ा है। मां अपनी बेटी के लिए बार बार इंसाफ की गुहार लगा रही है। परिवार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की सुनवाई की मांग की है। एसआईटी जांच की बात मान ली गई है। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं पूरे मामले में सियासी रंग भी चढ़ गया है। हरियाणा की बेटी को जिस प्रकार से गुंडों ने दिन दहाड़े कत्ल कर दिया, बाकायदा वीडियो बना, परंतु पुलिस नाम की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। छात्रों के समर्थन में आज बड़ा प्रदर्शन भी हो सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।